हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलन नंबर टू नियरेस्ट टेन। हमें कह रहा है नियरेस्ट टेन करना, हमें भाई 83 है। अब ये क्या होगा, किसके नियरेस्ट होगा, 80 को होगा या 90 को? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पहले, जैसे भाई देव हमारी कोई लाइन है, अगर मैं देखूँ 80 और यहाँ हमारा कितना है 90, भाई 80 और 83, तो यहाँ पर हमारा 81 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, यह हमारा सेंटर में 85 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 89। तो ये आप ध्यान रखना, सेंटर हमारा 85 है। अगर हमारा 84 तक हो, 81 से लेके 84 तक, तो ये नियरेस्ट हो जाता 84 तक। जैसे ये सेंटर तक पहुंच जाएगा 85 हो जाएगा, ये नियरेस्ट हो जाएगा 90। ये आपको रूल ध्यान रखना कि भाई 85 तक, उसके सेंटर से पहले तक, तो ये हमारे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और जैसे हमारे 85 चला गया, मतलब कि सेंटर टच कर लिया हमने, तो ये आगे चला जाता है। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 80, नियरेस्ट क्या हो जाएगा ये 80, क्योंकि भाई 83 है तो नियरेस्ट 80 हो जाएगा। ठीक है, 56। अब देखो 56 अगर मैं देखूँ तो क्या भाई 50 और 60 के बीच में, अब इसका अगर मैं ठीक मिड पॉइंट देखूँगा तो कितना आएगा 55। मैंने कहा अगर 55 ही चला गया तो ये नियरेस्ट कहाँ जाता है, 60 जाता है, आगे चला जाता है। ठीक है, ये तो 56 है भाई, इससे भी आगे जा रखा, तो ये नियरेस्ट 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नियरेस्ट 60 हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो 394 कितना है, तो 300 हमें लिखना, हमें नियरेस्ट 10 देखना, तो 90 और 100 के बीच आएगा भाई 94। यहाँ पे हमारा 95 है भाई, ये 94 है, 94 तो हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो भाई मैंने कहा कि जब हमारा 94 तक होगा तो ये 90 हो जाएगा, 95 होते ही आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, 505, तो ये तो सीधे 510 हो जाएगा, क्योंकि 5 तक चला गया। जब हमारा मिड पॉइंट तक आ जाएगा तो हमारा आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ तो 46 है भाई, 45 से आगे, मिड पॉइंट 45 है, तो ये सीधे 50 हो जाएगा। 270 है भाई, 17 तो मिड 15 से आगे जाएगा, मिड पॉइंट से आगे था, 220 हो जाएगा। 43 देखो 5 से पहले, तो क्या हो जाएगा 840 हो जाएगा। ओके, इस ढंग से इनको सॉल्व कर सकते हैं।